नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। हमीरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बीजेपी अभ्यास शिविर में कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। साथ ही तकनीकी विश्वविद्यालय के कैंपस भवन का किया उद्घाटन व होटल हमीर के दूसरे ब्लॉक की भी रखी आधारशिला। प्रदेश कांग्रेस महासचिव विनोद सुल्तानपुरी ने सरकार पर कोरी घोषणाएं कर किसानों बागवानों को गुमराह करने का लगाया आरोप। बोले, सेब सीजन शुरू होने के बावजूद खस्ताहाल सड़कों को ठीक करवाने की जहमत नहीं उठा रही धूमल सरकार। कांगड़ा की जसवा परागपुर विधानसभा सीट पर तिकोने मुकाबले ने बढ़ाई रोचकता। हिलोपा से नवीन धीमान, कांग्रेस से निखिल राजौर और बीजेपी से विक्रम ठाकुर ने शुरू किया अपना अपना चुनावी प्रचार। शेट्टी वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग को लेकर नाहन में न्यायिक कर्मचारी संघ ने की गेट मीटिंग। संघ जिलाध्यक्ष ने प्रदेश सरकार से सिफारिशों को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाने की मांग दोहराई। सूखे और मौसमी बीमारियों की चपेट में आने से टमाटर बेल्ट की 80% खेती हुई बुरी तरह से प्रभावित। अच्छे बाजार भाव होने के बावजूद खेती ना होने से किसानों के हाथ लगी निराशा। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर महीने में हो सकते हैं, इसके संकेत मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने टौणी देवी व हमीरपुर में बीजेपी पदाधिकारियों के लिए आयोजित अभ्यास शिविर के दौरान दिए। धूमल इन कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से सरकार की उपलब्धियों का घर घर पहुंचाने को कहा। हमीरपुर में मुख्यमंत्री ने तकनीक विश्वविद्यालय के कैंपस कार्यालय का उद्घाटन करने के साथ साथ होटल हमीर के दूसरे ब्लॉक की भी आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने टौणी देवी में माता के दर्शन भी किए। प्रदेश में विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर माह में होने की पूरी संभावना है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बुधवार को इस बात के खुद संकेत दिए। हमीरपुर व टौणी देवी में भाजपा के अभ्यास शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए धूमल ने कहा कि प्रदेश में अक्टूबर नवंबर माह में चुनाव हो सकते हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को 31 अगस्त तक घर घर पहुंचाएं। इस दौरान उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में प्रदेश में विकास पूरी तरह से ठप होकर रह गया था। भाजपा सरकार ने सत्ता में आने पर विकास कार्यों को गति दी है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नौकरियों पर पाबंदी लगाने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने युवाओं को सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्रों में नौकरियां दी हैं। चुनाव अक्टूबर में भी हो सकते हैं, नवंबर में भी हो सकते हैं। अभी ये पार्टी ने तय किया है, पहली अगस्त से लेके 30 अगस्त तक आप सब प्रमुख लोग अपने अपने क्षेत्र में घूमेंगे। जो मैंने कहा कि आप देंगे, हम कोई कैलेंडर बना तो कैलेंडर देंगे, जो जो सूचना की चीजें होंगी वो आपको दी जाएगी ताकि घर घर हमारा संदेश पहुंचे। अब तो हम सत्ता में हैं, हमने काम किया है, लोगों को लाभ मिले हैं, तो आज हम संकल्प रहे कि जब तक चुनाव नहीं होता तब तक लगातार पार्टी के लिए काम करेंगे और 11 अगस्त की रैली को कांगड़ा और मंडी दोनों रैलियों से बड़ी रैली बनाकर दिखाएंगे। जसवीर कुमार, हमीरपुर 7C हिमाचल आजकल। सराज मंडल के कांग्रेसियों ने जंजहली में रैली निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसमें कांग्रेस के अलावा इसके अग्रणी संगठनों युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस व इंटक ने हिस्सा लिया। कांग्रेस ने सरकार पर क्षेत्र में विकास कार्य ठप करवाने के आरोप लगाए। कांग्रेस मंडलाध्यक्ष चेतराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर असफल रही है। सरकार लोगों को विकास के नाम पर केवल आश्वासनों का झुंझुना ही धा दे रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने जंजहली की पूरी तरह से अनदेखी की है और अब चुनाव पास आते ही यहां लोगों से लोक लुभावने वायदे किए जा रहे हैं। आज स्वराज कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, महिला कांग्रेस, सेवा दल और कांग्रेस इंटक के, युवा इंटक के तथा एक्टिव जो कार्यकर्ता हैं उनका आज जंजहली में वर्तमान सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन लोगों ने किया। वो इस वास्ते के सराज विधानसभा क्षेत्र में
जब पिछली बार चुनाव हुए उसमें जो हमारे वर्तमान विधायक हैं, मंत्री जो आजकल हैं, उन्होंने क्षेत्र के साथ जो है धोखा किया, झूठ बोला। सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री रविंद्र रवि ने कहा है कि प्रदेश में भाजपा मिशन रिपीट के लिए पूरी तरह से तैयार है। धूमल सरकार की शानदार उपलब्धियों और कांग्रेस में बिखराव के कारण भाजपा निश्चित रूप से सत्ता में रिपीट होगी। रविंद्र सिंह रवि ने पालमपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी उच्च कमान के दिशा निर्देशों पर प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं के अभ्यास वर्ग पूरे हो चुके हैं। सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री रविंद्र रवि ने कहा है कि प्रदेश में भाजपा मिशन रिपीट के लिए पूरी तरह से तैयार है। धूमल सरकार की शानदार उपलब्धियों और कांग्रेस में बिखराव के चलते भाजपा निश्चित रूप से सत्ता में रिपीट करेगी। रविंद्र सिंह रवि ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मेरी राजनीति पालमपुर से शुरू हुई है और पालमपुर में ही मैं रहता हूँ। मेरे चुनाव लड़ने के बारे में हाईकमान जो भी निर्णय लेगा वही मान्य होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 4.5 वर्ष से धूमल जी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता के हित की कल्याणकारी योजना और विकास का एक नया आयाम जो स्थापित किया है, उसी को मूल मंत्र हमने बनाया है और हिमाचल प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार धूमल जी के नेतृत्व में बने लगातार दूसरी बार। इसके लिए लगातार पिछले कई दिनों से हमारी हाईकमांड भी, उच्च कमांड भी और प्रदेश का हमारा नेतृत्व भी लगातार इस प्रयास में लगा है। जो 4.5 साल में काम किए हैं उनके प्रति, चाहे विकास के काम है, 67 अवार्ड हमें प्राप्त हुए हैं। उस कड़ी में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि लोगों ने प्रदेश में मन बनाया है कि इस बार चाहे कुछ भी है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार चांस देंगे। राजनीति मेरी यहीं से शुरू हुई तो अधिकार जैसे पार्टी को निर्णय करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल, पालमपुर। प्रदेश कांग्रेस महासचिव विनोद सुल्तानपुरी ने सरकार पर कोरी घोषणाएं कर किसानों बागवानों को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। सोलन में उन्होंने कहा कि सेब सीजन शुरू होने के बावजूद अभी तक खस्ताहाल सड़कों को दुरुस्त नहीं किया गया। कुम्हारटी छैला सड़क का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस सड़क की हालत दयनीय बनी हुई है। सोलन, सिरमौर और शिमला जिलों को जोड़ने वाली इस सड़क से होकर प्रदेश का करीब 60% सेब मंडियों को जाता है, लेकिन सरकार इसको ठीक करने की जहमत नहीं उठा रही। उन्होंने कहा कि सेब क्षेत्रों में दूसरी सड़कों की भी यही स्थिति है, ऐसे में यही हालत रही तो काफी चिंता बढ़ सकती है। सुल्तानपुरी ने सोलन जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की खराब स्थिति पर भी सरकार को घेरा। महत्वपूर्ण सड़क है जो हमारी कुम्हारटी से छैला तक जाती है, वो हॉर्टिकल्चर रोड है और ये 3 जिलों से संबंध रखती है, सोलन, सिरमौर और शिमला। हॉर्टिकल्चर रोड का महत्व ये है कि सेब सीज़न में तकरीबन 60% सेब हमारा उसी रोड से आता है। उस रोड की इतनी खस्ता हालत आज है, ये बहुत ही दुखद बात है कि हमारे सरकार का बिल्कुल भी हमारे बागवानों के ऊपर कोई ध्यान नहीं। मंडी के कांसा चौक में गत दिनों हुई संकल्प रैली से भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है। रैली में लोगों की भारी संख्या में शिरकत करने के साथ पार्टी के सभी नेता एक मंच पर एकजुट नजर आए। भाजपा के प्रदेश महामंत्री रामस्वरूप शर्मा का कहना है कि कांसा चौक की रैली में उमड़ा जन सैलाब इस बात का संकेत दे रहा है कि प्रदेश की जनता भाजपा शासन से खुश है और वह एक बार फिर इसको सत्ता में देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि इस दौरान सभी नेताओं ने जो एकजुटता दिखाई है उससे पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। रामस्वरूप शर्मा ने दावा किया कि उनकी पार्टी फिर से प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प रैली और प्रदेश कार्य समिति की बैठक, केंद्रीय नेतृत्व का मंडी पहुंचना और मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी के मंडी जिला में 4 दिनों का मिलना आने वाले चुनावों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूँ आने वाले विधानसभा चुनावों में भारी बढ़त से प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनाएंगे। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए देश के दरवाजे खोल रही है। शिमला में एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री उमेश दत्त ने कहा कि केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा के संबंध में जो बिल संसद के समक्ष रखे हैं, इन बिलों के पास होने से विदेशी विश्वविद्यालयों के देश में आने का रास्ता साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो इससे देश में शिक्षा का व्यापारीकरण बढ़ेगा, इससे गरीब व मेधावी छात्र प्रभावित होंगे, यही नहीं इससे पश्चिमी संस्कृति का बुरा प्रभाव भी संस्कृति पर पड़ेगा और व्यापारीकरण की दिशा में
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल देश की उच्च शिक्षा को ले जा रहे हैं। 7 बिल लाने का कोई औचित्य इस देश में नहीं था। 1 या 2 बिलों के माध्यम से भी इन सभी बिंदुओं को उठाया जा सकता था और बिना चर्चा के, पूरे देश में बिना चर्चा के आज इन बिल्स पर आज इनको पास करने की, इनको पारित करने की अगले आने वाले संसद के सत्र में प्रयास किए जा रहे हैं। विद्यार्थी परिषद का मानना है कि इनको समाहित करते हुए केवल 1 या 2 बिल्स में ही इन सभी मुद्दों को उठाया जाए। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ। टू बिल्ड अ ट्री फ्रॉम अ सिंगल सीड हुज लीव्स रीच आउट द एंटायर स्काई, टू बिल्ड अ फ्यूचर फ्रॉम अ सिंगल माइंड व्हिच रीचेस आउट टू द एंटायर वर्ल्ड एट इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। Programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA, MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University. Creating futures. Changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318-797-101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677.